नमस्कार। मिनी सेक्रेटरीट में मौजूद है नारनौल में जो सरपंच है महेंद्रगढ़ जिले के, वो यहाँ पर डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए इकट्ठे हुए। देखिए काफी संख्या में जो सरपंच है विभिन्न विभिन्न गांव से आए हैं वो यहाँ पर इकट्ठी है। यानी कि आप फैक्ट्री से बातचीत कर ले तो सरपंचों का हुजूम यहाँ पर भारी मात्रा में उमड़ा हुआ है। अरे तख्ती हटा ले यार, देख भाई दो मिनट इतने जाऊं तो फरान जाए कर ले। समस्त पंचायतों के सरपंच व पंच साहब आज इकट्ठा हुए हैं और पूरे प्रदेश में एक आह्वान हुआ था कि भी सभी सरपंच अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर अपना ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं, न हम सरकार से 10 लाख रुपए की मांग करते हैं, न 20 लाख रुपए की मांग करते हैं। 1992 के 73वें संशोधन के तहत हमें हमारी पंचायतों के 29 अधिकार और गाँव में चाहे 10 लाख रुपए का कार्य हो, चाहे 1.5 करोड़ रुपए का कार्य हो, वो सभी सरपंच के अधीन होने चाहिए, क्योंकि ई टेंडरिंग के अंदर गुणवत्ता का मामला सबसे बड़ा है। मान के चलो 12 लाख रुपए का कोई कार्य ई टेंडरिंग में चला गया और ई टेंडरिंग के जितने भी टेंडर हैं वो लगभग 30-40% माइनस के अंदर जाते हैं। 12 लाख रुपए के एस्टिमेट का कार्य अगर 8 लाख रुपए में अगर अलॉट हुआ तो आप सोच सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता क्या होगी। और परसों ही सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया है कि सरपंच अगर ठेकेदारों की पेमेंट रोकने का कार्य करेगा तो 7 दिन बाद वो पीडीपीओ को अधिकृत हो जाएगा, पीडीपीओ खुद वो पेमेंट जारी कर देगी। तो सरपंचों के तो अधिकार ही खत्म कर दिए। मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि ये नाम के सरपंच भी क्यों छोड़ रहे हो, पंचायती राज को ही ध्वस्त कर दो आप, अगर सारे कार्य आपको प्रशासन के थ्रू करवाने हैं तो। इसलिए सभी पूरे प्रदेश के अंदर सभी सरपंचों में बड़ा रोष है और राइट टू रिकॉल का जो मामला है, या तो सरकार जितने भी प्रतिनिधि है जिसके अंदर एमएलए आते हैं एमपी आते हैं सबके ऊपर लागू होना चाहिए या फिर किसी के ऊपर भी लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने रख दी है कि 1 साल के बाद राइट टू रिकॉल लिया जा सकता है, जिसके तहत गांव में भाईचारा खराब होने की पूरी पूरी आशंकाएं हैं। इसलिए जो गांव वालों ने जो जनप्रतिनिधि चुने हैं उनके पास 5 साल पूरी पावर होनी चाहिए अपने अपने गांव में काम करवाने की। अगर वो काम नहीं करवाता है, जैसा कि एमपी एमएलए के इलेक्शनों में भी होता है, सरकार दोबारा चुन लेगी, प्रदेश दोबारा चुन लेगा, गाँव वासी दोबारा सरपंच को चुन लेंगे। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि राइट टू रिकॉल को वापिस लिया जाए और पंचायत के अधीन जितने भी कार्य है वो सारे सरपंचों के अधिकृत होने चाहिए। अगर सरकार हमारी मांग मानती है तो बढ़िया है, अगर नहीं मानती है तो यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। हम प्रशासनिक कार्यों में कोई भी सहायता नहीं करेंगे, अपनी अपनी ग्राम पंचायतों की कोई भी ग्राम सभा की मीटिंग नहीं करेंगे व न ही कोई प्रस्ताव बढ़ा के देंगे। धन्यवाद। डीसी साहब से 2 दिन पहले बात हुई थी तो आज डीसी साहब का जो दौरा है वो महेंद्रगढ़ का है और उसके अधीन आज एसडीएम साहब है, वो हमारा ज्ञापन लेने आए हैं और उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है कि आप लोगों की जो मांगे हैं वो हम सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। नमस्कार। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज हम हमारी जो सरपंच एकता है वो यहाँ पे जो जितने भी महेंद्रगढ़ जिले के सरपंच है वो इकट्ठे हुए हैं हमारी जो सरकार से कुछ मांगे हैं वो सामने रखने के लिए। जैसा कि अभी प्रवीण भाई ने बताया कि हमने ना 20 लाख की मांग करी है ना 25 लाख की मांग करी है। जो संविधान में जो 73वां संशोधन 1992 में हुआ था उसमें सरपंचों के हाथों में 29 शक्तियां दी गई थी, वो 29 शक्तियां हमें वापस अपने हाथों में चाहिए। पिछले 2 साल से आप सभी जानते हैं कि जो कोविड से जो
जो हमारे समाज में जो चल रहा था, हमारे गाँव में कोई काम नहीं हुए। आने वाले 5 साल के लिए सरपंचों के हाथ वैसे बांध दिए गए हैं, तो हम गाँव में जो जो भी विकास कर रहे हैं वो कैसे होंगे। हमारी मांग यही है कि गांव में कोई भी काम होगा उसकी पावर सरपंच के अधीन वो काम होगा, कि ग्राम सभा में सरपंच बैठता है, ग्राम में जो भी गांव की शिकायतें होती है वो सरपंच सुनता है, गांव के बैठक के बीच में सरपंच बैठता है, ना कि कोई ठेकेदार बैठता है। ठेकेदार आया, टेंडर मिला 12 लाख का टेंडर, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख में दे दिया, उसके बाद वो क्या काम करके गया? गांव वाले ठेकेदार को ना नहीं जानते हैं, वो उसके लिए जवाबदेह उनको सरपंच है। तो ये जो काम जो जितने भी विकास कार्य गांव में होने हैं वो सारे विकास कार्य सरपंचों के अधीन हो। दूसरा हमारा टॉपिक है राइट टू रिकॉल का। तो राइट टू रिकॉल जितने भी शीर्ष पे MP, MLA, नेता जितने भी हैं, सब जनप्रतिनिधि हैं, सब जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो राइट टू रिकॉल सिर्फ सरपंचों पे क्यों? राइट टू रिकॉल लागू हो, सब पे लागू हो, सरपंचों को कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भाईचारा खराब होगा, ठीक है, आप लोग भी तो जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो राइट टू रिकॉल आप पे लागू क्यों नहीं? शीर्ष से लागू करो, सरपंचों को लेकर आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल आपके राइट टू रिकॉल में साथ देंगे। लेकिन जो शीर्ष पे चेहरे बैठे हैं, जो मेयर भ्रष्टाचारी कह रहे हैं कि हमने पारदर्शिता लाई है, कहां है वो पारदर्शिता? जब गांव में विकास कार्य जो 12 लाख का काम हो रहा है वो तुम 10 लाख में कराओगे, गुणवत्ता को तुम खत्म कर दोगे, तो उस तरह के जो गांव की जनता जो जवाब मांगेगी वो जवाब देने के लिए ठेकेदार आएंगे, सरकार आएंगी, या जो शीर्ष की जो चेहरे वो आएंगे सामने? कोई सामने नहीं आएगा। तो ना तो हम ई-टेंडरिंग को हम सपोर्ट करेंगे, ना राइट टू रिकॉल करो, शीर्ष चेहरे पहले सामने आओ। भ्रष्टाचार ऊपर से हो रहे हैं, हमारी लिमिट्स घटा दी गई है, ठीक है, तो आप लोगों की लिमिट्स क्यों बढ़ाई जा रही है? जनप्रतिनिधि आप लोग भी है, वैसे ही जनप्रतिनिधि हम है। सरकार को लग रहा है कि ये सिर्फ 1 रुपए 60 पैसे सरपंच है। हम सरपंचों को गांव ने चुन के भेजा है, हमारे पीछे हमारा पूरा गांव खड़ा है, उन्होंने एक विश्वास के साथ हमें इस पद पर बैठा है, और हम इस पद की गरिमा को बनाए रखेंगे, और हम अपनी सहमति ई-टेंडरिंग पे बिल्कुल नहीं देंगे। और हम आशा करते हैं कि जैसे आज आप लोगों ने एकता दिखाई, आगे भी दिखाएंगे। आज हमने डीसी को जो ज्ञापन सौंपा है उस पे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, वरना आगामी जो भी आह्वान प्रदेश द्वारा होगा हम अपने आंदोलन को उस तक लेके जाएंगे। और कोशिश नहीं करेगी सरकार जब तक हमारे सामने नहीं झुकेगी, हम अपने गाँव में कोई विकास कार्य नहीं कराएंगे, ना कोई ग्राम सभाएं होंगी, ना VDPO में कोई कार्य होगा। धन्यवाद। देखिए, अपने अस्त्र शस्त्र टिका के बैठ जाइए, कुछ नहीं करना। जो भी इंसान जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है ये बिल्कुल भी ना सोचे कि वो मेरा खास है।